पैराडाइज। आज मैंने आपके लिए लाया थ्री इंग्रेडिएंट्स वाली चॉकलेट आइसक्रीम जो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूले। आप मेरी बाकी सारी रेसिपीज ऊपर दिए गए लिंक में जाके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी पे। सबसे पहले हम एक बोल में 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ्रोज़न है। ये जितनी ज़्यादा फ्रोज़न रहेगी हमारी आइसक्रीम उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ बनेगी। अब हम इसे एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से 15 मिनट्स के लिए हाई स्पीड पे बीट करेंगे। आप चाहे तो इसे हैंड विस्क की मदद से भी विस्क कर सकते हैं। देख सकते हैं ये ऐसे बीट करते करते हमारी क्रीम की वॉल्यूम भी बढ़ रही है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी होते जा रहे हैं। बीच बीच में आप साइड्स को अच्छे से स्क्रेप कर लें ताकि क्रीम हम अच्छे से और बीट कर सकें। अब हम उसमें 1/2 कप कंडेंस मिल्क मिलाएंगे और उसे अच्छे से बीटर की हेल्प से मिला लेंगे जिससे कि उसमें कोई लम्स ना रहे। अब हम इसमें 1/4 कप कोको पाउडर मिलाएंगे। अगर आपको और ज़्यादा चॉकलेटी करना है तो आप इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। अब देखिए कितनी सॉफ्ट एंड स्मूथ बनी है और उसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अब हम इस आइसक्रीम को एक एयर टाइट कंटेनर में रात भर रख देंगे या तो मिनिमम 6 आवर्स के लिए रखेंगे और फिर हमारी आइसक्रीम रेडी है। अब हम अपने आइसक्रीम को अच्छे से क्लिन रैप से रैप कर लेंगे जैसे कि हमारी आइसक्रीम पे कोई आइस क्रिस्टल्स ना हो और हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे जमने के लिए। देखिए हमारी आइसक्रीम कितनी सॉफ्ट एंड स्मूथ बनी है। एंजॉय विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।